ये देखें जी माशाल्लाह से, ये पर्सनाटा है, लेटिनो पर्सनाटा। वेलकम गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बशीर पैट जोन। तो क्या हाल है जी, सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से सारे? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो आज का व्लॉग जनाब बड़ा ही मज़े का होगा। आज हम अपने कज़न के पास आए हुए हैं जी जनाब, उनका चैनल जो है वो इस नाम से जी, अली शाह पैट्स व्लॉग के नाम से है। अच्छा, ये जनाब हमारे कज़न हैं जी माशाल्लाह से। हाँ जी, क्या जी, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा ये जनाब, ये देखें जी सेटअप इनका, ये सारा माशाल्लाह से सेटअप है। अभी आपको जो है ना, ये अंदर जा के चीज़ें दिखाएंगे और इनका जितना भी मतलब सीन है ना वो आपको समझाते हैं अभी। ये भी बस सर्दियाँ हैं ना, उस वजह से थोड़ा सा ये कवर किया हुआ है। ये प्लास्टिक का जो है शापर लगाया हुआ है हल्के वाला। इससे ये होता है कि जो ये है ना हमारे केजीज जो हैं ये कवर रहते हैं। दूसरा ये है कि जब धूप लगती है ना तो अंदर बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है, तो परिंदे जो है बिल्कुल खुशबाश रहते हैं, हैप्पी हैप्पी। जनाब अभी अब आपको हम दिखाते हैं सबसे पहले जी इनके जो वो तितर हैं, एक ईरानी फीमेल है, साथ उसके जो है दखनी मेल है जी। बाकी अब उनसे पूछते हैं, हम अपने कज़न सेली शाह से पूछते हैं, वो खुद हमें समझाएंगे, सारा बताएंगे कि क्या सेटअप है, क्या सीन है उस हर चीज़ का। हाँ जी दोस्तों, ये जी हमारे पास मेल है ये, ठीक है जी, ये दखनी है, दखनी ईरानी क्रॉस है। ये दिखाएँ ज़रा व्यूवर्स को करीब से। ये जी बहुत अच्छा तीतर है, ये है पट्ठा। अभी इसको मैंने एक दो दफ़ा जो है ना यूँ जंगली तीतरों के साथ भी छोड़ा है, इसने बड़ी चस कराई है, बड़ा मज़ा आया इसके साथ, ठीक है जी। तो ये है कि डर इसलिए लगता है ना कि जो जंगली होते हैं वो जंगली होते हैं। बात तो सही है। जो देसी होते हैं ना जी, जो घर के होते हैं, देसी भी एक इसमें ब्रीड आती है लेकिन वो अलग चीज़ है। एक होते हैं जी घर की ब्रीड, ठीक है जी। अब ये जो है ये दखनी है, दखनी का काम सिर्फ यही है फाइट करना, ठीक है जी। इनको मैंने जंगली तितरों के साथ छोड़ा है, उन्होंने थोड़ा सा इनके पास से जो है ना जी ठेले, ठीक है, तो मैंने छुड़वा लिया इनका काना छाना ना हो जाए। तो दोस्तों ये फीमेल है जी, ये मैंने अपने चैनल पे भी दिखाई थी दोस्तों को, इसकी हालत काफ़ी जो है ना जी नासाज हो गई थी, बहुत परेशान हो गए थे, बड़ी ये कीमती फ़ीमेल थी। तो ईरानी पे और ईरानी फ़ीमेल है ये, ठीक है। लेकिन अब माशाल्लाह से ये काफ़ी जो है ना जी ज़बरदस्त हो गई है, लेकिन इसके जो बाल शाल हैं ना ये साइड वाले, ये कतरों की वजह से थोड़े डैमेज हो गए। तो दोस्तों अभी आपको बकाया दिखाते हैं, हमने एक तोता जो है हमारे दोस्त हैं बहुत अजीज़ हैं सोहेल भाई, ठीक है जी, उनसे हमने रेस्क्यू किया था। ये देखें जी माशाल्लाह से, ये पर्सनाटा है, लेटिनो पर्सनाटा, रेड आई में, ठीक है जी मुबशर भाई, ये रेड आई में और ये बड़ा यूनिक पीस है। और ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, मैं देख रहा हूँ ना, ये बहुत माशाल्लाह क्लास की चीज़ है, ये बड़ी कीमती चीज़ है और है भी माशाल्लाह से पट्ठा तकरीबन दो एक माह का होगा, डेढ़ दो माह का। ये डैमेज हो गया था। और मजे की बात कि ये एंड टाइम भी हो सकता है। बिल्कुल, मेरा भी ये इरादा है कि इसको जो है ना टाइम किया जाए। तो दोस्तों उसके बाद आपको दिखाते हैं अपना सेटअप असील का, ये चेक करें जी माशाल्लाह से। ये हमारा घर का पट्ठा है जी, ये परमोज निकला है चीना, थोड़ा सुस्त हुआ हुआ है ये भी, मैंने गौर किया है, मैं इसको जो है ना कोई देखता हूँ इसको क्या वजह है। कोई एज और नस्ल के बारे में भी बताएं ना हमारे व्यूअर्स को। ये तकरीबन सर इस वक्त 11 माह का है, ठीक है जी, और ये मियाँ अली की नस्ल है। ये बहुत हमारे अजीज़ हैं, उस्ताद हैं राजा सुहेल साहब, उनके घर की ब्रीड है ये। फिर मैंने आगे बच्चे कराए हैं, इनका बाप दिखाता हूँ आपको। ये माशाल्लाह से इनका जो है ना वालिद माजिद है जी, ठीक है, पढ़ा लिखा मुर्गा है, इंग्लिश मीडियम है, बहुत ज़बरदस्त है ये, ठीक है जी मुबशर भाई, ये इंग्लिश मीडियम है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, ठीक है जी। ये साथ आप पट्टी देखें, ये पट्टी इसी की बच्ची है, ये उर्दू मीडियम में लगी है, ये उर्दू मीडियम है। और ये जी माशाल्लाह से हम मुर्गा लाए थे भी कुछ दिन पहले, हमने अपना मुश्का दिया था और साथ कुछ पेमेंट करके तो ये लाए थे। तो ये बहुत अच्छा मुर्गा है, कुंडलों वाला मुर्गा है इसके। ये पीछे देखें गले पे कुंडल भी बने हुए हैं बालों से परों से, बहुत माशाल्लाह चीज़ है ये। साइड पे आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारा है ये। आपको बाद में पकड़ के इसका शौक भी कराएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल दोस्तों, ये आपको हम लोग पकड़ के रख के एक जगह पे दिखाएंगे, क्योंकि स्ट्राइक भी पड़ सकती है अगर हम इसे ज़्यादा देर पकड़े रखेंगे। तो उसके बाद आपको पट्ठा दिखाते हैं जी, ये मुश्का पट्ठा है माशाल्लाह से, ये बहुत जो है ना जी ज़बरदस्त चीज़ है। इसको ये भी इन्हीं का बाप यही है, पीला मुर्गा जो भी आपको दिखाया है, ये मुर्गा जो है इसने बहुत अच्छे पाँव मारे हैं। हमारे ज़िया भाई हैं, आप दोस्त कुछ बाप हमारे जो व्यूवर्स हैं वो तो जानते हैं उन्हें, तो उनके हमने मुर्गे के साथ इसे छोड़ा था, तो इसके दुम के गुल जो है ना वो डैमेज हो गए थे, काफ़ी ब्लीडिंग हुई थी और पैन होता है। फिर मैंने कहा ये मुर्गे कच्चे हैं तो इनको दोबारा जो है ना जी ज़रा परहेज़ किया जाए फाइट से। ये जी मुबशर भाई हमारा सफ़ेद पट्ठा है जी, वाइट छोटा, ठीक है जी। ये अभी चेक करेंगे, हमारे घर की ब्रीड तो नहीं है, ये कहीं से गिफ्ट आया था, इसको भी ये इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से
तोड़ चढ़े ना तो फिर इसको देखेंगे कि ये क्या चीज़ बनती है। और ये माशाल्लाह से जी एक वाइट पट्टा है जी हीरा, ठीक है। अक्सर दोस्त कहते हैं जी बोस्का अलग होता है और हीरा अलग होता है, तो ये दोस्तों दरअसल सीन इस तरह होता है कि सिर्फ और सिर्फ वाइट बच्चों की गारंटी होती है। जो वाइट बच्चे देता है मुर्गा मुर्गी वो हीरा है, ठीक है जी। और बोस्का शोस्का कुछ भी नहीं होता और पेपर वाइट भी कुछ भी नहीं होता, पेपर वाइट हीरा कभी भी नहीं होता। ये है कि ये उस तरह की ख़ास क्वालिटी में नहीं है, लेकिन ये है कि शौक के लिए रखा हुआ है, गिफ्ट आया था ये भी हमें। दोस्तों ये देखें जी, ये हमारे पट्टे हैं जी, ये गंजा है, ये बचपन में ये काले के टा चढ़ गया था, काले ने इसकी कटोरा कट कर दी है, ऐसी चित्रोल की है कि आपको इसका गंज बख्श नज़र आ रहा होगा, ठीक है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, ये भी प्रमोज की तरह लंबी सरियों में है, प्रेल मुर्गा है। और ये माशाल्लाह जी ये हमारी जो है ना जी चैम्पियन मादी, ठीक है। लोगों के मुर्गे चुटकियों पे फिरते हैं, हमारी ये फीमेल चुटकियों पे फिरती है, ठीक है जी। ये पट्टी है बिल्कुल ज़ीरो लाइन है, बिल्कुल छोटे वजूद की है, छोटा साइज़ है। और ये इस वक्त जो है ना जी तकरीबन 16 माह की है। और उसके अलावा आपको बाकी दिखाते हैं, ये वाइट मारी हीरा मादी है, ठीक है जी। ये पेपर वाइट इसे कह सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले आपको बताया पेपर वाइट कुछ भी नहीं होता, बोस्का ही होता है, ठीक है। ये वाइट नोक नली है, इसकी वाइट आइज़ है, ठीक है जी। इसने अभी आइज़ साफ़ की है अपनी, तकरीबन इसकी भी 1.5 साल एज है। और ये पीला पट्टा है हमारा, उसी बड़े मुर्गे का बच्चा है। इनकी जो फीमेल है वो काली फीमेल है, वो भी अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। ये भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा परिंदा बनेगा। ये माशाल्लाह से ब्लैक फ़ीमेल है, नवाब वाले कालों में से क्रॉस है, ठीक है जी, मियाँ वाली नस्ल है। और ये फ़ीमेल जितने आपको पट्टे पट्टियाँ दिखाई हैं उनकी वालदा माजरा है, ठीक है जी। और ये अभी इसके साथ बच्चे भी हैं, जिसमें से एक बच्चा हमने तो दो बच्चे तोहफे दे दिए हैं दो बंदों को। उसके अलावा बकाया जो हमारे पास बच्चे ये छोटे घूम रहे हैं, इनमें से एक जो है ज़ख्मी हुआ था, बड़े मुर्गे ने उसको कंडा लगा दिया था, ठीक है जी। तो उसे कंडा चढ़ा है, उस वजह से काफ़ी उसका इलाज वगैरह किया, गले पे चढ़ गया था, खाना शाना नहीं खा पा रहा था, तो आज सुबह वो जो है नरजाई लाई से वफात पा गया। जैसा कि आपने देखा है जी, ये हमारे भाई थे अली शाह साहब, इनका अली पेट व्लॉग वो जो है ना चैनल भी है यूट्यूब पर, साथ मैंने जैसा कि अटैच भी किया हुआ था। आप लोग बाकी अगर इनका विज़िट करना हुआ ना तो इनके चैनल पे चले जाना, वहाँ से आप विज़िट कर लेना। उसके बाद आपको दिखाते हैं जी, अभी इन्होंने थोड़े से कबूतर रखे हुए हैं अपने शौक़ के लिए, वो आपको जो है ना दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जनाब, ये अंदर ये माशाल्लाह से इनका जो है सफ़ेद कलर का जो है ना रेसर है, सफ़ेद कलर का बड़ा यूनिक चीज़ है यार, आज मैंने खुद पहली दफ़ा देखी है लाइफ में। ये साथ इन्होंने एक आई फ्लायर को रखा हुआ है पीस, एक वो है, एक वो उधर आई फ्लायर है। ये देखें जी, अब इनकी लड़ाई चेक करें आप, क्या बात है। असल में ये मेरे ख्याल में कोई एक दो दिन हुए इन्हें लाए हुए, तो इस वजह से जो है ना मार रहे थे, क्योंकि इस रेसर की जो फीमेल है ना उसने वहाँ बीच में अंडे दिए हुए हैं, आपको शायद नज़र आ रही होगी वहाँ अंदर। अच्छा खैर नहीं आ रही नज़र, तो एक दफ़ा फिर करते हैं यहाँ से। असल में दरवाज़ा नहीं मैं खोलना चाहता, कहीं निकल ना जाए, वो आपको अब नज़र आई है, ठीक हो गया जी। ये जो है ना इसकी फ़ीमेल है। बाकी गाइज इनका यहाँ अंदर सेटअप है सारा, ये समझ लें इनका मास्टर केज है। और इसका जो है ना व्लॉग आज बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसका जो है आपको कल दिखाएंगे हम सी। तो ये थी जनाब आज की वीडियो, छोटा सा ही आपको जो है ना विज़िट कराया टूर छोटा सा इनके सेटअप का। बाकी अल्लाह हैर करे इंशाल्लाह पार्ट टू जो है वो इसका आएगा अब कल, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मकसद कोई नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।